क्या क्या काम है कृष्ण दर्शन में, नाक का क्या काम है कृष्ण कथा सुने, हैं नासिका का क्या काम है ठाकुर जी की शरण की तुलसी चंदन की आग्रहण ले, और चक्षु कर्ण नासिका जीवा, जीवा का काम क्या है, बोले हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे, भगवान का कीर्तन करें हैं। और त्वचा का काम क्या है, वैष्णव को आलिंगन करने की कर्तव्य है, लेकिन हमारी इंद्रियां ये कृष्ण सेवा छोड़ करके ये विषय में दौड़ता है, इसलिए हमारे पास में भी छह वैश्या है, लेकिन छह वैश्या धोखेबाजी को क्या करते हैं, गला घोट करके मार करके उसको काट देते हैं, इसलिए अभी उसने क्या बन गया, अभी उसने क्या बन गया, अभी बन गया प्रेत बन गया। जब प्रेत बन गया, जब श्री गोकर ने उसका नाम पर दया में पिंड दी, लेकिन तभी उसका उधर प्रेत का घर में प्रेत बनकर बैठा है, फिर प्रेत बनकर घर में बैठा हुआ, बोले तेरे नाम पर मैंने गया में पिंड दिया, तेरे को उधर नहीं मिला, बोले भैया मैं इतना बड़ा पापी हूँ, मेरे नाम पर 100 बार भी पिंड दे दो ना मुक्त नहीं, लेकिन इतने बड़े पापी को मुक्ति कैसे मिली। जब उन्होंने सूर्य देवता को प्रश्न की, बोले इनको ये भागवत कथा सुना, ये भागवत से इसको मुक्ति मिलेगी, इसलिए 7 दिन में उसकी 7 दांत फट गए, कहते हम भी संसार में 7 जगह पर हम भी बंधे हुए हैं, संसार की माया ममता स्त्री पुत्र परिवार सारा दुनिया की बंधन में हम भी बंधे हुए हैं, लेकिन जब ये भागवत कथा सुनेंगे हमारे सारे कांट खुल जाएंगे, सारे बंधन हमारी समाप्त हो जाएगी, फिर हम क्या करेंगे, फिर वैकुंठ से उनके लिए विमान आया, रात में बैठे जब जा रहे थे, इतने में गोकर्ण ने प्रश्न की, बोले देखो यहाँ पर तो बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, सबके लिए तो एक एक रथ लाना चाहिए थे ना, लेकिन आप एक ही रथ क्यों लाए, तो गोकर्ण ने कहा देखो देखने के लिए तो सबके सब बैठे हुए, लेकिन मन से कोई कथा नहीं सुनी, मन से कोई कथा ही नहीं सुनी, बल्कि यहाँ तो बैठे मन से कथा किसे नहीं सुनी, बोले कथा सुनने का एक नियम भी होता है, बोले कथा सुनने का क्या नियम है, बोले विश्वास गुरु वाक्य सो स्वस्मी दिनत्व भावन मान दोस्त जयस्ते सा कथायाम निश्चला नति। देखो कथा सुनने का नियम सुन लो, बोले पहला नियम है ये भागवत वेद पुराण में पहले विश्वास हो, लेकिन हमारे सिनेमा में विश्वास है, उल्टा पुल्टा जो टीचर आती है ना उसमें 3-3 घंटा बैठ कर कथा देखते हैं, जो झूठ चीज में हमारे विश्वास है, लेकिन भगवान की भक्ति में विश्वास नहीं, प्रभु की भक्ति में हमारे विश्वास नहीं, लेकिन दुनिया में हमारे विश्वास है, ये बड़ी वीडियो बना है। देखो विश्वास कैसे होनी चाहिए, एक सुंदर कथा सुनो, तो एक समय कोई एक शिष्य था, वो नदी पार करते हुए गुरु जी के आश्रम में आता था और गुरु जी की सेवा करके फिर वापस चल जाता था। एक दिन जन्माष्टमी आ गई और मोटर ठाकुर को 12 बजे ठाकुर कभी से होती, फिर प्रसाद होते होते रात हो गया, एक चेला ने कहा गुरु जी आज मैं घर में वापस जाना चाहता हूँ, बोले क्यों, थोड़ी समय सोच विश्राम कर ले, कल से फिर सेवा कर लेना, बोले गुरु जी जब मैं घर में जाता हूँ फिर आपको याद आती, कभी गुरु जी के आश्रम पर जाओ ठाकुर जी का सेवा करूँ, अगर मैं आपके पास में रहूंगा मेरे को याद है ना अपना बीवी बच्चे की याद आए, बताओ गुरुदेव क्या करनी चाहिए, बोले बात तो सही है, बोले ठीक है बेटा तू चलेगा, बोले गुरु जी जाओ कैसे, बीच में नदी आती है, अभी केवट तो सो गया होगा, अभी मेरे को ये नदी कैसे पार करेगा, बोले कोई चिंता मत करो मैं एक कागज में एक मंत्र लिख करके देता हूँ,
उसको अच्छे तरह से पकड़ कर रखना तो पानी को ऊपर चलते चलते चले जाओगे। बोले ऐसे मंत्र बोला तो गुरुदेव ने एक मंत्र लिख करके दे दिया और विश्वास करके पकड़ लिया। गुरुदेव ने क्या बोले, पानी को ऊपर तो चलते चलते चले जाओगे। सचमुच से देखा पानी को ऊपर चलते चलते जा रहे, पहले नदी पारी हो गया थोड़ी सी बाकी। बोले भैया गुरुदेव की कागज में क्या लिख कर दी, जो नदी के ऊपर में चलते चलते जा रहा था खोल कर थोड़ा देखता हूँ। जो कागज को खुला है ना उसमें क्या लिखा हुआ था, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। तो उसको ऊपर में ये हरे कृष्ण महामंत्र लिखा हुआ था। बोले इतनी मतलब हरे कृष्ण 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 हरे हरे, और इसकी बल पर मैं पानी को ऊपर चलते हुए जा रहा हूँ। इतना मतलब जो इतना बोला ना बस बहुत बड़ हो गया। देखो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, प्रभु बोले पहला यही महामंत्र। देखो मैं तुमको ये महामंत्र देता हूँ। महामंत्र मतलब क्या, जितने मंत्रों में सर्वश्रेष्ठ मंत्र, मंत्र कहते हैं इसको जो असंभव को संभव कर दे, जो हमें भगवत प्राप्ति करा दे, ये मंत्र है। लेकिन आप देखो गुरुदेव ने माला दिया हरे कृष्ण महामंत्र जब करो, लेकिन इसमें हमारी विश्वास नहीं। कोई अगर बोलते ना वहां पर कोई नया बाबा निकला जिसके सर पर हाथ रखता है सब इच्छा पूरी होता है, वहां पर कोई नई देवी निकली, देखना कि भगवान का नाम को छोड़ छाड़ कर भावना शुरू कर देते। भैया शास्त्र कहता है अगर ये नाम से तुम्हारी कुछ नहीं हुई ना, ये नाम क्या है, हरि से बड़ा हरि का नाम है। अगर ये नाम से तुम्हारी कुछ नहीं हुई ना, विश्व ब्रह्मांड में तुम्हें कोई सही करने वाले नहीं होते। हनुमान जी सब कुछ सिद्धि कहाँ से देती हैं, बोले सुमेरी बरना सुपना सब करे राखे राम। हनुमान जी को इतने विद्धि सिद्धि वैभव करना, हनुमान के नाम सुनावा भूत पिशाच निकट कहां से शुरू होता है, केवल प्रभु का नाम की बल पर। इसलिए भगवान के नाम में हमारी विश्वास होनी चाहिए हैं। इसलिए पहला नंबर क्या है, कथा में तुम्हारी विश्वास, सचमुच से कथा सुनते सुनते ही हमारी जरूर उधार होगी। इस तरह तो सांप ना प्रभु जी सर प्रभु जी कि सांप अंदर में नहीं वो बाहर बाहर से आ रहा है, अब थोड़े से देखो हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे बोल हरे कृष्ण ठीक हरे कृष्ण। इसलिए पहला नंबर है विश्वास। बोले दूसरा नंबर क्या है, बोले स्वस्मिन दिनत्व भावना, बोले भक्ति करने के लिए हमारे अंदर में चार गुण आनी चाहिए। ये दो चार गुण क्या है, श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं बोले त्रिनादमि सुनि चेना तररपि सहिष्णुना अमानीना मान देना कीर्तनीय सतारि। बोले पहला गुण त्रीन से भी अपने आप का दीन हीन मान। दूसरा गुण है पेड़ से भी ज्यादा सहन शक्ति होनी चाहिए। जैसे रास्ता में जा रहे हो, देखा वृक्ष में एक आम है पका हुआ, आप उठाया पत्थर और उसको मारे, मारते क्या होगा, देखना मारा तो आप उसको, लेकिन उसने आपको क्या दे दिया, उसने आपको स्पीकर के सामने रख बैठा था। इसलिए लेकिन उसने क्या दे दिया, आप एक आम दे दिया है। इसलिए कहते क्या करो, पेड़ से भी ज्यादा सहन शक्ति हो, बोले सबको यथा योग्य सम्मान करो, क्योंकि हर जीव के हृदय में भगवान की वास है, ठाकुर जी की वास है। इसलिए सबको यथा योग्य सम्मान दो, लेकिन कभी स्वयं
प्रतिष्ठा की इज्जत की भावना मत रखा करो और सबको यथा योग्य सम्मान दो। इसलिए मैं स्वस्मिन दिनत तो भावना मान दोष जैस जैसा कथा सुनने के लिए और क्या करो, एक मन से कथा सुनो, जैसे यहाँ पर बैठे हैं लेकिन मन अगर घर में हो फिर कथा सुनने पर भी कथा सुनने का बल नहीं मिलेगा। इसलिए मन को जय करते हुए एक मन से भगवान की कथा सुननी चाहिए। जब श्री वैकुंठ दूत ने कहा देखो यहाँ पर तो कथा सुनने के लिए बहुत लोग बैठे हुए लेकिन रथ क्यों एक आया, इन लोगों ने ऐसे कथा ही नहीं सुनी, विश्वास नहीं हुई कथा, और केवल एक व्यक्ति ही कथा सुना किसने, ये धुंधुकार ने एक मन से कथा सुनी, इसलिए उसके लिए रथ आया और उसने रथ में बैठ करके भगवान का धाम को गए। गोकर्ण ने कहा देखो यहाँ तक कथा हुई, आप लोगों ने कथा भी सुने लेकिन आप सभी के लिए वैकुंठ से रथ नहीं है क्योंकि हमने कथा सुनी नहीं ठीक से, फिर मैं कल से दोबारा कथा करूंगा, ज्यादा दिन नहीं सात ही दिन है, सब के सब एक मन से कथा सुने, कथा के बाद में हम सभी के लिए एक एक रथ आएगा और हम रथ में बैठ करके ठाकुर जी के पास में जाएंगे। देखो आप लोग भी कथा सुन रहे हो, जब कथा की विश्राम होगी ना आपके लिए एक रथ आएगा लेने के लिए, आप जाओगे कौन कौन जाएगा, हाथ उठा कर, अगर सचमुच से रथ आ गया सही से बोलो हाथ उठा कर कौन जाएगा, अगर सचमुच से रथ आ गया ना ये एक व्यक्ति भी दिखेंगे नहीं, सब आ गया बोलेगा अभी बेटी की शादी नहीं हुई और पति को रोटी पर बना के खिलाएगा और घर का काम का, इसलिए आप लोग कोई चिंता मत करो, जब तक एक मन से कथा नहीं सुनेगा, जब तक एक मन से कथा नहीं सुनेंगे रथ आने वाले ने इसे डरने का कोई बात नहीं, ठीक है, इसलिए खूब कथा सुना और कथा का तो आनंद लो। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री लाल। कहीं जो कथा है ना कहिए पद्म पुराण में महिमा बता, और एक पुराण है जिसका नाम स्कंद पुराण, स्कंद पुराण में भी ये भागवत की महिमा है, उसका भी थोड़ी सी कथा सुन लेते हैं, ये ब्रज की कथा है। बोले जिस समय कृष्ण ये संसार छोड़ करके चले गए, मैया कुंती ने देखा जो कृष्ण ही नहीं रहे फिर रह करके क्या लाभ, उसने उसी समय उसने प्राण को त्याग दिया। शिक्षा देते हैं भैया तब तक ये जीवन धारण करना सार्थकता है जब तक इस जीवन में प्रभु का भजन हो, अगर प्रभु की भक्ति नहीं होना ये प्राण रखना नहीं रखना बराबर है। पांडव ने देखा जब कृष्ण ही नहीं रहे हम क्यों रहे, वो भी संसार को त्याग दी, लेकिन त्याग देने से पहले उन्होंने हस्तिनापुर का राजा परीक्षित बनाए और वृंदावन का राजा श्री बज्रनाथ को बनाए। ये बज्रनाथ कौन है, कृष्ण के पौपुत्र, बेटे के बेटे के बेटे की बज्रनाथ है। एक दिन परीक्षित वृंदावन में बज्रनाथ से मिलने गए, बोले सब कुशल मंगल है ना, बोले सब तो कुशल मंगल है लेकिन मन हमारे उदास, बोले क्यों, बोले वृंदावन में कोई है नहीं, भगवान कृष्ण जब गए जैसे प्रभु राम गए पूरा अयोध्या वासियों को प्रभु लेते गए थे, जब कृष्ण गए वो अकेले नहीं, वो पूरा का पूरा राधा ललिता विशाखा नंद यशोदा सब बाल बाल पशु पक्षी तक भी वहां से सबको लेकर चले गए, क्यों, बोले वृंदावन के वृक्ष को मरम ना जाने को ही डाल डाल और पत्ते पत्ते में से ही राधे राधे हुई, वृंदावन चिन्मय अप्राकृत दिव्य धाम है ये वृंदावन धाम, बोले सबके सब चले गए कोई है यहाँ पर, लेकिन ये परीक्षित महाराज को पता है कृष्ण तो एक स्वरूप में गए अभी भी कृष्ण दूसरे स्वरूप में है, बोले ये रहस्य को कौन जानता है, बोले शांति ऋषि क्योंकि पुरोहित जानते हैं, तब उन्होंने शांति ऋषि को बुलाए, बोले आप थोड़ी कृपा करके ये ब्रज की महिमा को थोड़ा बताओ, तो शांति ऋषि ने कहा देखो परीक्षित भगवान की दो तरह का लीला है, एक तो उनकी सही वास्तव लीला और एक लीला इनकी व्यवहारिक लीला साधारण लीला है,
जैसे ऊपर से क्या दिखता है कृष्ण चले गए, लेकिन अंदर से देखोगे ना कृष्ण कहीं नहीं गए। कृष्ण स्वयं कहते हैं वृंदावनम परित्यज्य पाद एकम न गच्छामि, मैं तो वृंदावन छोड़ के एक कदम भी कहीं नहीं जाता हैं। अभी भी कृष्ण परिपूर्ण रूप में वृंदावन में है। वृंदावन कौन कौन गए? हाथ उठा, वृंदावन कौन कौन गए? हाँ, सबके सब गए ना वृंदावन में हैं। अब देखना वृंदावन में दो वन है, एक निधु वन और एक निकुंज वन। कभी आप शाम का समय में वहां जाओ, देखोगे वहां पर बहुत बंदर है, लेकिन शाम होते ही बंदर एक एक करके अपने आप निकल गए। ठाकुर जी के फूल की सज्जा लगता है, लोटे में पानी रख लेते हैं, लड्डू रख लेते हैं, दामतन रख लेते हैं, लेकिन सवेरे जाकर के देखना लगेगा ऐसे कोई रात को आकर के विश्राम करके गए। लोटे में कभी पानी नहीं मिलेगा, कभी लड्डू नहीं मिलेगी। अगर कोई जोर जबरदस्ती बोले मैं यहाँ पर रह करके लीला देखना चाहता हूँ, वो गुंगा बन जाएगा, तो मर जाएगा। क्योंकि प्रभु की लीला देखने का बाद फिर वो बोलने का योग्य नहीं रह जाता है। अगर जिन लोगों का विश्वास नहीं होता है ना, अरे भगवान भगवान किसी ने देखा कुछ नहीं। एक बार वृंदावन जाए और ये दो बंदने, कोई बंदने एक रुक जाए, फिर पता चल जाएगा ठाकुर है क्या नहीं। इसलिए बोले भैया वृंदावन कृष्ण कहीं छोड़ने गए नहीं, अभी भी वृंदावन में पूर्ण रूप में कृष्ण है। हमारे महाप्रभु की संप्रदाय में इतने प्रमाण हैं। आप लोगों ने श्री श्यामानंद प्रभु का नाम सुना होगा। जब श्री जीव गोस्वामी के पास में ये आए, जीव गोस्वामी ने कहा देखो दुखी कृष्णदास, जब तक सेवा नहीं करोगे ना तब तक मेवा नहीं मिलेगी। जाओ निधुवन निकुंज वन में तुम झाड़ू लगाओ। जो झाड़ू लगाया करते थे राधा रानी का नाम ले ले करके, रो रो करके, हे ईश्वरी जो कब मेरे ऊपर आप कृपा करोगे, हे राधे मेरे को दर्शन दो, व्याकुल हो करके निधुवन में झाड़ू लगाया करते थे। एक दिन राधा रानी उनको दर्शन देने के लिए जान बूझ करके अपना चरण की नुपुर पहल छोड़ गए। जब वो सवेरे गए घना घोर जंगल, एकदम सोने की नुपुर चमचमा तो हुए जंगल का अंदर पड़ा हुआ, वो नुपुर लेकर गुरु जी को दिखाया। वो गुरु जी तो साधारण नहीं थे, पर राधा रानी की सखी है। बोले बेटा राधा रानी तेरे को दर्शन देने के लिए बहाना बनाए, सबको नहीं देना नुपुर, अगर कोई लेने के लिए आए ना बोलना जिनके नुपुर उस स्वयं आए, अपना हाथों से मैं नुपुर पहना दूंगी, परीक्षा करेगी, लेकिन देना नहीं। इतने में ललिता विशा का रूप बदला करके आए। बोले बाबा बाबा तेरे को कोई यहाँ से कोई सोने की नुपुर मिली है? बोले क्यों? बोले हमारी घर की बहू यहाँ पर पुष्प चयन करने आई थी, कहीं उनकी नुपुर घूम गई है। बोले हाँ एक सोने की नुपुर मिली। बोले दे दो। बोले देखो जिनका नुपुर वो स्वयं आए, मैं अपना हाथों से मैं पहना दूंगा। बोले तू बाबा तेरे को शर्म नहीं लग रहा है? वो हमारी घर की बहू है, तू संत हो ब्रह्मचारी हो, कहते हो अपना हाथों से नुपुर पहनाओगे। देखो अगर नुपुर नहीं दोगे ना फिर तो अपना भैया धुला कर लाएंगे, अच्छे तरह से तेरे धुला ही होगी। लेकिन गुरु जी बोले देना नहीं, परीक्षा होगी, परीक्षा करेंगे। बोले भैया जो कुछ हो जाए मैं तो नुपुर देने वाला नहीं। उसने जाकर के राधा जी को बोले, बोले बाबा तो बड़े अखड़े, वो कहते अपना हाथों से चरण में पहनाई, राधा ने तो यही चाहती थी। बोले एक काम करो उसको बोल दो हाथों में काला पट्टी बांध दे, फिर मैं आऊंगी। राधा रानी स्वयं मान अपना हाथों से जब राधा रानी की चरणों को स्पर्श की, उसकी रोम रोम खिल उठे, आंखों से आंसुओं की झरी बहने लग गई, हृदय प्रेम में गदगद हो गया। क्यों राधा रानी कौन है? भगवान की हाथी शक्ति बढ़ा सकती वो प्रेम स्वरूप से राधा रानी। इतने में चरण में नुपुर बना करके बोले हे राधे जब आप इतने दूर तक मेरी ऊपर कृपा की, हमें दर्शन हमें दर्शन भी दो। राधा रानी आंखों को ऊपर से काला पट्टी खोल दिए, फिर तो उन्होंने श्री राधा रानी को दर्शन की।
बोले श्रीमती राधा रानी की जय। बोले एक आपकी कथा है, बोले श्री चैतन्य महाप्रभु का बात है। मतलब अभी भी कृष्ण कितना साल हो गया लीला करके गए, 5,500 साल हो गया, लेकिन ये 300-400 साल पहले का ये बात है। पहला हमारा संप्रदाय और एक शंकर थे जिनका नाम श्री सनातन गोस्वामी, ये तो कृष्ण को दर्शन करते थे, साक्षात बात करते थे, हैं? जैसे ठाकुर जी गुली डंडा खेलते थे, कि जाकर के देखते थे गुली डंडा ठाकुर खेल रहे हैं, गुली डंडा खेल रहे हैं, ठाकुर जी रोज इनको दर्शन करते थे। एक दिन मचल गए, बोले बाबा मेरे को साथ में ले चलो। बोले भैया यहाँ पर तू चकाचक भोजन कर रहे हो, राबड़ी मालपुआ रसमलाई, मैं तो संत हूँ भाई, बिना नमक के मैं टिकिया बना कर खाता हूँ, बोले जो दोगे वही खा लूंगा, लेकिन मेरे को साथ मिले चलो। ठाकुर जी साथ मान, एक दिन खिलाया, दो दिन खिलाया, तीसरे दिन में बोले बाबा सब्जी तो तू देता ही नहीं, अरे कम से कम उतना नमक तो दे दिया करो, गले को नीचे नहीं उतरना है। बोले तेरे पिताजी का नल रख दिया था, तभी तेरा पेट नहीं भरता था, तुम चोरी चोरी खाता था, आज बोले नमक दो, कल बोले उतना सब्जी ले आओ, बोले इससे पेट नहीं भरता था, दूध ले आओ, राबड़ी ले आओ, रसगुल्ला ले आओ। भैया मैं कहाँ से लाऊं, हम तो किसी तरह से थोड़ा पेट है, कभी चना कभी गोभी बना खा करके दिन रात में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। उनको साथ में डायरेक्ट बात ठाकुर जी करते थे, हैं? ठाकुर जी डायरेक्ट उनसे ठाकुर जी बात किया करते थे। ऐसे सबके सब संत हो गए श्री वृंदावन धाम में। इसलिए बज्रनाभ श्री सांडिल जी ने कहा बज्रनाभ कृष्ण कहीं नहीं, अभी भी कृष्ण पूर्ण रूप में है, लेकिन हमें क्यों दर्शन नहीं हो रहा है, तो हमारे आंखों के ऊपर में माया की पर्दा डाला हुआ है। लेकिन जब कोई भक्ति करते 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 जब हृदय निर्मल शुद्ध हो जाए, इसलिए ब्रह्मा जिसको कहते हैं बोले प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेना संतः सदैव हृदयसो विलोकयन्तम् जन्म श्याम सुंदरम चित्त गुण स्वरूपम् गोविंदं मादिपुरुषं तमः भजामि। ठाकुर जी को कब दर्शन होगा, जब हम अपना आत्मा में प्रेम रूपी कांजल लगाएंगे। लेकिन हमारी आंखों में क्या लगा हुआ, काम क्रोध लोभ की काजल लगी हुई, इसलिए हमें ठाकुर जी का दर्शन नहीं हो पा रहा है। इसलिए बोले क्या करना पड़ेगा, बोले एक काम करो, कृष्ण चले गए ना, उनका लीला भूमि अभी धीरे 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 ये लीला भूमि कौन कहां पर कृष्ण किया है, अब ये लीला भूमि अंदर ध्यान होते जा रहा है। तुम काम करो, सारी लीला स्थलियों को प्रकट करो और ठाकुर जी को तुम स्थापन करो, फिर ठाकुर जी की कृपा होगी ना, फिर तुम्हें कृष्ण दर्शन मिलेगा, कृष्ण दर्शन मिलेंगे। फिर तो उन्होंने सांडिल्य ऋषि परीक्षित महाराज को लेकर गए, कृष्ण कहाँ पर गा सकते, कृष्ण कहाँ पर बंसरी बजा रहे थे, कृष्ण कहाँ पर बैठ करके राधा रानी के आंखों में काजल लगाए। देखो एक स्थान का नाम है आंख बिना, क्या नाम है बोलो जोर से, आज नव, आज नव नाम क्यों पड़ा। एक दिन कृष्णा ने मीठी मीठी बंसरी बजाई, अभी सखिया राधा रानी को श्रृंगार कर रही थी, सारे श्रृंगार हो गए, लेकिन आंखों में केवल काजल लग रहा था। इतने में कृष्ण बंसरी बजाते ही राधा रानी भागते भागते आए, कृष्ण ने देखा राधा रानी का तो सारे श्रृंगार है लेकिन आंखों में केवल काजल नहीं। कृष्णा एक पत्थर के ऊपर बैठा है, राधा जी के आंखों में काजल लगाए, लगा करके जिस पत्थर के ऊपर में कृष्णा अपना अंगुल को घिस दिया ना, आश्चर्य घटना है। कभी आप जाओगे वहां पर परिक्रमा मार जाती है, वो पत्थर को घिसोगे ना, अभी भी वो पत्थर से काजल का अपने आप काजल का रंग निकलता है, अपने आप पत्थर से काजल का रंग निकलता है, अद्भुत है। इसलिए वो स्थान का नाम पड़ेगा आज नव। एक स्थान का नाम छत्रवन, छत्रवन क्यों नाम रखे, बोले एक समय कृष्ण स्वयं राधा रानी के सर के ऊपर छत्र धारण किए, छत्र धारण करते हुए ब्रज में प्रचार उन्होंने किया है,
आज से वृंदावन का जो अधीश्वरी है वो श्रीमती राधा रानी, इसलिए वो स्थान का नाम पड़ेगा छत्र बन। एक स्थान का नाम जापट, बोले जापट क्यों नाम पड़ा, बोले कृष्ण कभी वर्षी बन जाए। अभी उनको सखिया श्रृंगार कर रही थी, लेकिन केवल प्यार में महाभर जो मेहंदी लगाती है ना, अभी केवल वही बाकी था। इतने में राधा रानी दौड़ दौड़ कर क्या आई, कृष्ण ने देखा तो सारे श्रृंगार है, लेकिन अभी प्यार में महाभर ने मेहंदी ने वो एक पेड़ उसका रस को वहां पर रगड़ो ना, उससे जो रंग निकलता है वो आलता का रंग है, वो महाभर मेहंदी का रंग, जैसे कृष्ण अपना हाथ से राधा रानी की चरणों में पहना दिया, इसलिए उस स्थान का नाम पड़ेगा जापट। इसलिए ब्रज में जहां जाके बज्रनाभ ने ये सब स्थापित किया है, कहीं चरण उनकी चरण, कहीं कूप, कहीं सरोवर, ऐसे उन्होंने नाम रखा। अभी जो वृंदावन में हम जो दर्शन कर रहे हैं इन्हीं की कृपा है, जो अभी हम यहाँ पर गिरिराज है, यहाँ पर नंदगांव, यहाँ पर बरसना, यहाँ पर विधुवन, यहाँ पर मुकुंजवन, यहाँ पर बंसीवट, हमें कैसे पता चल रहा है, यही महापुरुष ने इसको स्थापन करके गए। और विशेष करके उन्होंने तीन ठाकुर को स्थापन किया, कितने ठाकुर को, ठाकुर तो बहुत थे, एक गोविंद, एक गोपीनाथ और एक मदन मोहन, लेकिन ये तीनों ठाकुर अभी वृंदावन में नहीं, ये अभी जयपुर में दो ठाकुर एक करोल में, और जब उनका नाम सुने होंगे मुसलमान, इसने सारे वृंदावन का मंदिर भंदिर तोड़ रहा था। इसलिए राजा मान सिंह ने ये सारे ठाकुर जी को उन्होंने ले गए, कहाँ ले गए, ले गए जयपुर में ले गए, लेकिन जयपुर में दो ठाकुर अभी गोविंद और गोपीनाथ, लेकिन एक ठाकुर आप करौली में देखो, कौन सा ठाकुर, कहते श्री मदन मोहन। हम लोग गए हो जयपुर, गए हो भाई जयपुर में, कोई नहीं गए हो, कहते जो गोविंद देव को दर्शन करते हैं उनकी मुखारविंद दर्शन करने का फल मिलता है, जो गोपीनाथ को दर्शन करते हैं उनकी भक्त स्थल की, और जो मदन मोहन को दर्शन करे उनका चरण दर्शन करने का फल मिलता है। कहते अगर एक दिन में ये तीन ठाकुर कोई दर्शन कर ले तो साक्षात कृष्ण दर्शन करने का फल, कृष्ण दर्शन करने का, क्योंकि उसको बद्रीनाथ ने ही स्थापन किया था, है ये बड़ी महिमा ठाकुर जी को। तब एक ठाकुर करौली को चले गए, देखो सी कथा सुनो, ठाकुर कितने प्यारे, अच्छे तरह से ध्यान से सुनो। कहते राजा मान सिंह की एक बेटी थी, बड़ी प्यारी बेटी, ठाकुर जी के प्रति बड़ी भावना है, वो मदन मोहन को अपना हाथों से श्रृंगार करती थी, उनको भोग लगाया करती थी, उनको स्नान कराती थी, उनके लिए सब अपना हाथों से सेवा करती थी। अभी बेटी हो गई शादी के लायक, राजा करौली का जो राजा को साथ में शादी के लिए तय किए, बोले देख बेटी मैं जो दहेज रूप में दूंगा सो तो दूंगा, लेकिन अगर तुम्हारी मन में कोई इच्छा तो बोल। बोले पिताजी ये मदन मोहन को मैं बचपन से श्रृंगार करती हूँ, इनको सेवा करती हूँ, इनको खिलाए बगैर खाती नहीं, सुलाए बगैर मैं सोती नहीं, ये मदन मोहन को सेवा करते करते ना मेरा तो प्रेम इनसे हो गया। देखो क्या सिखा देते, जिस ठाकुर को तुम सेवा करोगे ना उसका पर तुम्हें प्रेम हो गया, हाँ जिसको सेवा करोगे उसको पर तो प्रेम होगा ना, बस इनके प्रति मेरी प्रेम हो गई, इसलिए मेरे को दहेज रूप में जो दो सोन मत दो, लेकिन जो मदन मोहन को मेरे को दहेज रूप में दे दो। लेकिन वो ठाकुर का नाम ही मदन, बड़े सुंदर थे ठाकुर जी, बोले देख बेटी तुम और कोई ठाकुर ले लो, लेकिन ये मदन मोहन को मैं नहीं दे सकता क्योंकि बड़े सुंदर है। लेकिन बेटी राजकुमार क्या कहती है, कहते मैं तभी शादी करूंगी जब ये मदन मोहन को मेरे को आप दहेज रूप में दोगे। अभी बेटी और पिता में लड़ाई होगी, तब राजा देखा बेटी को तो शादी देना ही है, बोले देख बेटी तो मदन मोहन को प्रेम करती हो इसकी परीक्षा करके दूंगा। बोले क्या परीक्षा करोगे, बोले सारे ठाकुर को मिला के खड़ी कर दूंगा, बहुत ठाकुर जयपुर में, तेरे आंखों में काला पट्टी बांध करके छोड़ दूंगा, और तुम जिस ठाकुर को स्पर्श करके बोलोगे एक ठाकुर चाहिए मैं तुम्हें, वही ठाकुर दे दूंगा।
अभी जो बेटी थी राजकुमारी, जब रात को सोई ना, रो रो करके ठाकुर जी को प्रार्थना करते हुए सोई, बोले हे मदन मोहन, तू तो मेरे प्रेम को जानते हो, मैं तेरे को कितने प्यार करती हूँ, तेरे बगैर मैं रह नहीं सकती। लेकिन पिताजी कहते परीक्षा करके देखिए, लेकिन मेरे को पता नहीं चलेगा तू मदन मोहन हो। देखो जब वो सो गई ना, ठाकुर जी स्वप्न में प्रकट हो गई, बोले बेटी कोई चिंता मत करो, एक काम करियो, जब ठाकुर को लाइन करके खड़े कर देंगे, तुम अपना हाथों को सारे ठाकुर को शरीर में लगाते लगाते आना, जब तुम मेरी पास में आओगे ना, फिर मैं तेरे हाथ पकड़ लूंगा। लेकिन ये चीज को कोई नहीं समझेगा, तू समझोगे और मैं समझूंगा। बेटी इतने खुश हो गई, इतने प्रसन्न हो गई, ठाकुर जी बोले मेरे हाथ पकड़ेंगे। दूसरे दिन सारे जयपुर के लोग आए, परीक्षा होगा, बेटी दहेज रूप में कौन सा ठाकुर को लेकर जाएगी। सचमुच से जब वो ठाकुर जी का पास में आए ना, ठाकुर जी उसका हाथ पकड़ लिए। लेकिन ये चीज को कोई नहीं देख रहे थे, केवल वही अनुभूति कर रहे थे, ठाकुर जी मदन मोहन मेरे हाथ को पकड़ कर रखे, बोले पिताजी हमें यही ठाकुर करो। फिर उन्होंने दहेज रूप में उसी ठाकुर को लेकर के करौली चली गई, इसे बड़ी सुंदर वहां पर मंदिर बनवाए राजा, और अभी भी मदन मोहन वही करौली में विराजमान है। बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की जय, जय श्री राम, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। इसलिए कहते वज्र नाम ने सब ठाकुर जी को स्थापन किया, वज्र नाम हरे कृष्ण कृपा के न होती जो आदत तुम्हारी Thank you.
श्री उद्धव जी ने बोले मेरे गुरु जी मेरे को एक सुंदर कथा सुनाए। बोले बोलो क्या सुनाए थे। बोले देखो ये भागवत कथा की क्या महिमा है। जब भगवान सर्वप्रथम ये पृथ्वी को उन्होंने सृष्टि की, उन्होंने तीन देवता को सृष्टि किया बाल के लिए। बोले तीन देवता कौन है बता सकते हो? कौन बोल रहे हो? ब्रह्मा विष्णु और महेश, ये तीनों को सृष्टि की। ब्रह्मा जी को बोले देखो तुम्हारे काम है सृष्टि करना, शंकर जी को बोले तुम्हारे काम है संहार करना, और विष्णु को बोले तुम्हारे काम है पावन करना। कहते विष्णु ये पावन का दायित्व क्यों लिए? बोले कोई चीज आप बना सकते हो आसानी है, संहार भी आसानी में कर सकते हो, लेकिन पालन करना ही आसानी बात नहीं। पालना सबसे कठिन बात है पालन करना। इसलिए ठाकुर जी ये पालन का दायित्व ठाकुर जी स्वयं ग्रहण किए हैं। ब्रह्मा जी को जब दिए, ब्रह्मा जी बोले प्रभु आपका आशीर्वाद से तो मैं सृष्टि कर सकता हूँ, लेकिन जो सृष्टि का काम है ये रजोगुण का काम है। बताओ ये रजोगुण से मेरे को मुक्ति कैसे मिलेगी? बोले देखो ब्रह्मा जी, अगर आप ये भागवत कथा सात्विक को सुनोगे फिर जो रजोगुण है कि आपको व्याप्त नहीं कर सकता है, ये रजोगुण से आपको मुक्ति मिल जाएगी। इतने में भगवान विष्णु आए, बोले प्रभु आपका आशीर्वाद से ये दुनिया को तो मैं पालन कर सकता हूँ, लेकिन ये लक्ष्मी को कैसे पालन करूँ? भगवान ने कहा देखो विष्णु जी आप भी कथा सुनो और कथा सुनाओ। देखो ये कथा की कितने महत्व, जब भगवान विष्णु कथा करते हैं कथा कौन सुनती है? माँ लक्ष्मी कहती है। और जो नारायण कथा करते हैं वो कितने दिन में कथा को पूरी करते हैं? एक महीना में कथा को पूरी करते हैं। अभी जब नारायण की कथा समाप्त हो जाए माँ लक्ष्मी स्वयं कथा करती है, और नारायण बैठ करके सुनते हैं। बोले वो कितने दिन में समाप्त करती है? बोले 2 महीना। नारायण जितने सुंदर कथा बोलते हैं ना उससे जब माँ लक्ष्मी कथा करती हैं उससे भी सुंदर और उसी से भी ज्यादा व्याख्या करती हैं। क्यों कारण किया? बोले कारण ही अभी मिश्री में जो मिठास है ना इसको कौन जान सकता है जो खाता है? भगवान विषय विग्रह भक्त आश्रय विग्रह है। अभी भगवान अभी रसगुल्ला में क्या टेस्ट, रसगुल्ला का थोड़ी पता है, रसगुल्ले जो खाते हैं उनको पता रसगुल्ला में क्या टेस्ट है। भगवान तो विषय विग्रह भगवान है इसलिए उनको पता नहीं भगवान में क्या रस है, तो उसको रस को कौन आस्वादन करते हैं? भक्त लोग। इसलिए कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु की माँ जो ये चीज को अच्छे तरह से सुन लो, जब भगवान कृष्ण ये द्वापर युग में ठाकुर जी आए और उन्होंने सारे लीला की अनुभूति करके ठाकुर जी चले गए गोलोक वृंदावन में, एक दिन निकुंज में बैठी बैठे थे कृष्ण सोच रहे हैं। हरे कृष्ण ठीक छोड़ छोड़ दो। इसलिए वो अभी सोच रहे हैं, कृष्ण क्या सोच रहे हैं? बोले मैं भी राधा रानी को प्रेम करता हूँ और राधा रानी मुझे भी प्रेम करती है, लेकिन मुझे जितने आनंद की प्राप्ति होती है राधा रानी को उससे करोड़ों गुण ज्यादा राधा जी को आनंद होता है। अभी राधा रानी को देख करके मैं कभी मूर्छित तो नहीं होता, लेकिन मेरे को देख करके राधा रानी प्रेम में मूर्छित हो जाती है, इसलिए राधा रानी को करोड़ों गुण ज्यादा आनंद मिलती है। इसलिए कृष्ण ने देखा जब तक मैं स्वयं राधा जी की भाव अंग कांति लेकर के नहीं जाता हूँ तब तक मेरे को यह आनंद नहीं मिल सकती है। इसलिए कलयुग में कृष्ण स्वयं राधा जी की भाव और राधा जी की अंग कांति लेकर के कलयुग में श्री सचिदानंद श्री गौरव रूप हरि रूप के ठाकुर जी कलयुग में आते हैं। बोले श्री सच्चिदानंद गौर हरि की, बोले श्रीमान चैतन्य महाप्रभु की, बोले श्री नित्यानंद प्रभु की जय। पिताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। इसलिए यहाँ पर लक्ष्मी 2 महीना
कथा को पूरी करते हैं। अभी भोले बाबा है, बोले प्रभु आप जो काम करे तो संपर्पण की ये सबसे कठिन है, क्योंकि ये दुनिया को संघार करना, ये संघार तमोगुण का काम है, हैं? अभी बताओ ये तमोगुण से मेरे को मुक्ति कैसे मिलेगी। ठाकुर जी बोले देखो आप भी कथा बोलो, आप भी कथा सुनाओ, सुना और सुना। जब शंकर की कथा करते हैं, कथा को कितने दिन में पूरी करते हैं पता है? कितना दिन में? 7 दिन में। इसलिए कहते शंकर जी 1 साल, मतलब कथा को इतने सुंदर व्याख्या करते हैं शंकर जी। बोले शंकर जी कौन है? वैष्णवानाम यथा संभो, भगवान के सबसे प्यारे भक्त कौन है? श्री भोले बाबा है, श्री भोले बाबा, इनके बगैर कथा ही नहीं होता। शंकर जी सर्वप्रथम माता पार्वती को कही कथा सुनाई ना, अमरनाथ में रामायण किया है। शंकर सबसे पहले अपना हृदय में रचना की, उसको बाद में वाल्मीकि लिखते हैं। वाल्मीकि पहले नहीं, शंकर जी हृदय में पहले उन्होंने स्वयं लिखे। चैतन्य महाप्रभु कलयुग में आए, किसकी कारण है? कौन लाए महाप्रभु को? शंकर जी लाए, अद्वैत आचार्य सदा से। इन्होंने ठाकुर जी को बुलाया, ठाकुर जी देखो दुनिया की क्या स्थिति है, जब तक आप नहीं आओगे ना तब तक जगत का कल्याण नहीं। शंकर स्वयं भगवान को तुलसी दल और दुर्गा माई से ठाकुर जी को बुलाया, भगवान वैकुंठ छोड़ करके श्री महाप्रभु का रूप में आए। इसलिए शंकर जी जब कथा सुनाते हैं कितना दिन में पूरी करते हैं बोलो? 1 साल। 1 साल में शंकर जी पूरी करते हैं। अभी शंकर जी कथा समाप्त हो गई, माता पार्वती कथा करती, शंकर जी बैठ कर सुनते हैं। माता पार्वती कितने दिन में समाप्त करती जानते हो? 2 साल। क्योंकि माता पार्वती कौन? बोले वैष्णवी माता, इतना वैष्णवी ना, वैष्णव देवी। देखना कभी वैष्णव देवी जाओ, कभी आप वैष्णव देवी जाओ, कहाँ पर? कहाँ पर है? जम्मू में। आप देखोगे माँ के गले में तुलसी कट्टी स्वयं पहन रहे हैं, माँ स्वयं कट्टी पहनती हैं, इसलिए उनका नाम वैष्णव। जैसे हम लोग वैष्णव है, वो वैष्णव ही है माता की। इसलिए जो वो कथा करती है, शंकर जी कितने सुंदर व्याख्या करते हैं, कहते उससे ज्यादा सुंदर कौन करती है? माता पार्वती है, वैष्णवी है, इसलिए वो 2 साल में कथा को पूरी करते। देखो ये भागवत कथा की कितने महिमा है, ब्रह्मा जी भागवत कथा की महिमा से जगत को सृष्टि करते हैं, विष्णु भागवत कथा की महिमा से पालन करते हैं, शंकर जी भागवत कथा की महिमा से दुनिया को संहार करते हैं। मतलब ये दुनिया में जो कुछ हो रहा है ना, इसकी कृपा से, भागवत कृपा, सब कुछ भागवत कृपा से ही होते। तब श्री यहाँ पर बताए, अंतिम समय में बताते हैं ये भागवत श्रोता का लक्षण बताते हैं। कल मैंने बताया था श्रोता 2 तरह के, कितने तरह के हैं? क्या क्या? एक उत्तम श्रोता है और एक अधम श्रोता है, और जो उत्तम श्रोता 4 तरह के हैं। क्या क्या है, किसको याद है? कौन बोले? हाथ उठा, कौन बोल रहे? एक हाथ मधुमक्खी। बहुत इनके लिए ताली बजाओ, हम लोग कुछ याद किया। इसलिए ये 4 तरह के श्रोता है। हंस मतलब जैसे दूध दो, वो दूध दूध को पी पी करके पानी पानी छोड़ देती है। जीवन में क्या करनी चाहिए? सार को ग्रहण करो, असार को त्याग दो। मधुमक्खी जैसे हर फूल को ऊपर बैठ करके वो शहद ग्रहण कर लेती है, हमें भी हर जगह से हमें अच्छे चीज को हमें ग्रहण करनी चाहिए। मछली, मछली को क्यों दान दिया? उसकी पलक नहीं झपकती है, और टकटक लगा करके कथा कैसे सुननी चाहिए? मछली जैसे सोनी नहीं चाहिए कथा, टकटक लगा कर कथा को सुननी चाहिए। 4th नंबर क्या था? चातक, पानी, वर्षा का पानी पीता। वाह, हम लोग अच्छे श्रोता, धन्यवाद। इसलिए ध्यान देकर सुना और घर में जाकर सुनाना, ठीक है ना? ऐसे नहीं, अपना तक सीमित नहीं रखनी चाहिए। महाप्रभु कहते हैं, चारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश,
जिसको देखो उसको ठाकुर जी की कथा सुनाओ, दुनियादारी की बात नहीं करनी चाहिए। इसलिए तो ये चार करके अच्छे श्रोता है, अभी चार करके अधम श्रोता, ये इतना कठिन है। बताओ कौन जो चार कर का अच्छा श्रोता हो गया, चार कर का कनिष्ठ अच्छा श्रोता नहीं, वो कौन कौन? क्या बोलो क्या है? इसलिए अब तो दो बोल दिए, एक बोला क्या बोले, ऊंट को जैसे, ऊंट जैसे उसको कोमल कोमल बढ़िया बढ़िया पत्ता दोनों नहीं खाएगा, वो क्या खाता है, काट का पेड़ उसको अच्छी लगती है, मुंह से खून निकलेगा और उसको खुद पिएगा, उसको बोला कि आनंद है। इसका मतलब है भगवान की कथा तो बड़ी मीठी बड़ी प्यारी है, लेकिन जिनको भगवान की कथा में रुचि नहीं, किसमें रुचि है, इसकी चुगली करो, इसकी बहू ने ऐसे कर रहा था, उसकी घर ने छोरी ऐसे की, उसको घर में सास बहू में लड़ाई, उसको घर ऐसे कथा बोलो ना, काम खड़े होकर कथा सुनते, ये सब कथा हमें अच्छी लगती है। बोले नहीं ऊट मत नहीं बननी चाहिए है, इसलिए उसको बोले ऊट। दूसरा नंबर क्या है, बैल। बैल की उदाहरण क्यों दी, क्यों उदाहरण बैल की दी, बैल को बढ़िया बढ़िया कोई फल दो, उनका भूसा दो ना, वो दोनों में कोई फर्क नहीं समझता है, दोनों को बराबर मानता, मतलब क्या है, मतलब भगवान की कथा हो नहीं तो कोई दुनिया की कथा हो, दोनों कथा को जो बराबर मानता है वो बैल है। तीसरा नंबर है कहते बुरुक, कहते ये रहता है हिमालय पर्वत में, एक पक्षी रहता है, इसलिए आप इसको जैसे सुनाओगे ना वो ठीक दो बार आपको सुना देगा, लेकिन वो करते समय उल्टा करेगा, मतलब जो सुनेगा और सुना भी देगा, लेकिन अपना जीवन में जो कि एक अक्षर भी जो अपना जीवन में उतारने वाले नहीं, वो कौन हो गया, हो गया गुरु। और चौथा नंबर कहते भेड़िया, ये भेड़िया एक छोटा जाति की बाघ होता है, ये छोटा जाति की बाघ होता है, जब देखता है कोई हिरण बड़ी सुलीली शब्द सुनकर उसमें मुक्त हो जाता है, ठीक उसी समय उसको ऊपर में आक्रमण करता है। मतलब क्या, कुछ ऐसे श्रोता हैं जो कथा तो सुनते नहीं, लेकिन पास में जो बैठने वाले व्यक्तियों को भी कथा सुनने नहीं देते, बिना कारण के कारण जो बात करते, कभी ये कौन है, कभी ये हो गए भेड़िया। और कथा चार तरह का, कितना तरह का, क्या क्या है बोलो, क्या तो भूल रहे हो, बोले नहीं, बोलो क्या है, शास्त्री राजसी तामसी और निर्गुण, इसे चार तरह का, चार तरह का।